का टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, उससे आप मतलब क्या ये संतुष्ट होना चाहते हैं कि आप ही का बच्चा? हाँ, संतुष्ट होना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन में कोई गलती मतलब बार बार वो फीलिंग्स नहीं आए कि मेरा नहीं है, ताकि एक बार संतुष्ट हो जाऊँ। तो सरकारी अस्पताल में आप आते हो तो उम्मीद के साथ आते हो अच्छा काम होगा? आते हैं। कैसे मतलब पूरा मामला कैसे हुआ था, कैसे पता चला आपको कि भाई बच्चा बदल गया? सर कुछ भी नहीं, हमारे खानपुर से रेफर किया गया था हमें। हाँ, खानपुर से लगभग 3 बजे के बाद हमने यहाँ इसमें भर्ती करवा दी और वे दर्द होता गया उसमें। उसके बाद क्या हुआ मतलब लगभग उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला हमसे कि भाई इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन भी लगभग इन्होंने दिन के 3 बजे किया हमारे गाँव में। फिर हम तो बाहर रहते हैं रूम से बाहर, तो उसके बाद क्या है कि सब बाहर थे और किसी ने पट्टी लाकर दे दी उसकी नानी माँ को, उसने ले ली। फिर शाम को 2 घंटे बाद पता लगा जो अधिकारी होते हैं ना, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आपका बच्ची ने बच्चा हुआ है, तो हम कन्फ्यूजन हो गए क्या हो गया है। फिर अब दे दिया आपको वापस बच्चा, अब बेटा मिल गया आपको? हाँ, बेटा मिल गया, लेकिन मैं इसका डीएनए टेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूज न रहे। ठीक, पूरे मामले में अस्पताल वाले प्रशासन क्या कह रहा है? पूरा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बताया मैं सबसे पहले गलती कैसे हुई क्या कोई बताया? गलती उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा था हमसे अस्पताल वालों ने कि आपका बच्चा है और ये उनका बच्चा है। कितने टाइम बाद मतलब वापिस दूसरा बच्चा दिया इन्होंने? ये लगभग 1.5-2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? हाँ। तो वो जो बच्ची थी वो किसको दी इन्होंने? वो बिसरोली का रहने वाला है, एक पता नहीं उसका नाम, लेकिन बिसरोली का रहने वाला है। वो भी यही है कि निकल गया? नहीं होगा। आप कहाँ के हो? मैं देगड़ा पंचायत और गाँव। क्या नाम है आपका? दीपचंद। और पत्नी का क्या नाम है आपका? आरती। पत्नी नहीं है? पूजा। पूजा भाई, क्या हुआ कैसे बच्चा बदला है ये तो कैसे पता चला फिर आपको? हमें तो डॉक्टर साहब ने बताया जब ही पता चला। पहले तो आपको एक बच्ची ला के दे दी? हाँ, बच्ची ला के थे, हम तो बच्ची मांग रहे थे। देखो तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स दे के तब उनको पता लगा है भाई बच्चा है उनका है बच्ची इनकी। उन्होंने हम दोनों को बुलाया नीचे। पहले के भी है आपके कोई बच्चे? हाँ नहीं है, ये तो फर्स्ट डिलीवरी। पहला बच्चा ही था वो? पहले आपको बच्ची ला के दी? हाँ, बच्ची ला के दी। और फिर बाद में तो अभी इन्होंने बोला भाई आपको बच्चा हुआ है। तो क्या चाहते हो आप, ऐसा लापरवाही करने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना? होनी चाहिए ना। आप तो हमारा तो ये देखे तो गवर्नमेंट के से विश्वास हो गया भाई, पहला ही बच्चा हुआ और वो भी पहली बार हमारे साथ ये हुआ है, आगे जाके किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर बाहर ले किसी के 2-3 लड़कियां हो फिर वो दोबारा इससे हो रही है तो वो तो मर गई ना बेचारी, स्टाफ की इनकी गलती है। अब बेटा पाके खुश हो आप? खुश तो है, पर एक बार डीएनए कराना चाहते हैं हम भी, कंफर्म हो जाए भाई बच्चा हमारा ही। ठीक, जनाना अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया और परिजनों ने हंगामा किया था, क्या मामला था? जी, बच्चा बदलने का तो मामला नहीं है, फाइल में जहाँ पीछे हम एंट्री रिसीव करते हैं, पेशेंट को रिसीव करवाते हैं, वहाँ पे गलती से जिसने हैंडओवर किया था स्टाफ ने उसने गलत लिख दिया था, तो उसको करेक्ट करवा दिया गया है। और जिस स्टाफ ने गलती करी थी उसको भी हमने कल सुबह उसको सेवा से मुक्त कर देंगे, और आगे से ऐसा नहीं हो उसके लिए सभी स्टाफ को इंचार्जेस को हमने पाबंद किया। ये किस स्तर पर गलती हुई थी? ये गलती तो 2 स्तर पे हुई है, एक तो नर्सिंग स्टाफ लेवल पे, एक जो बच्चा हैंड ओवर करते हैं भाई जी वगैरह 4th क्लास जो होती है उनके लेवल पे हुई, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार दोषी उनको सुबह सेवा मुक्त कर देंगे। तो कितने लोग इसमें आप लोगों ने चिन्हित किए हैं डॉक्टर साहब? अभी देख रहे हैं, अभी जांच भी करवाएंगे एक सुबह हम, लगभग 3-4 जने हैं तो उन सबको हम सेवा मुक्त करेंगे। अभी फिलहाल जो बच्चे के परिजन जो हैं वो दोनों बच्चे के परिजन संतुष्ट हैं, जिसका बच्चा था वो बच्चा उन्हीं के पास है और उनकी तरफ से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, उनकी तरफ से बिल्कुल परिजन संतुष्ट हैं, जिसका बच्चा जिसके पास था वो उसी के पास पहुंचा दिया गया।